हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। अगर आपके दांतों में पैचेस हैं, वाइट पैचेस आपको दिखते हैं, या फिर येलो वाइट पैचेस हैं, पीले सफ़ेद धब्बे आपके दांतों में हैं, या दांत आपके पीले हैं और आप इनको साफ़ करवाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि सफाई से ये साफ़ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसको ही हम शॉर्ट में समझेंगे क्यों। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर चैनल में नए हैं या पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे नोटिफिकेशंस के लिए। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट। आइए समझते हैं। देखिए, अगर आपके दांतों में ऐसे पैचेस पड़े हुए हैं, वाइट पैचेस या फिर येलो वाइट पैचेस हैं, या फिर आपके दांत ज़्यादा पीले हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ऐसे पैचेस हैं, या छोटे छोटे दांतों में कहीं कहीं आपको गड्ढे भी हैं और वो पीले कलर के हैं, अंदर हो या बाहर हो, सामने की तरफ हो, और आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि उनको सफाई करा के ठीक करा लेंगे, स्केलिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो नहीं होगा। क्योंकि ये जो है डेंटल फ्लूरोसिस है, ये किस कारण से होता है। जो हमारा वाटर है, जो हम पीने का पानी जो है, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें जब फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है, इसके कारण ये होता है। और जनरली जो छोटे बच्चे हैं वो अगर कंज्यूम करते जाते हैं तो उसी एज से ये होने लग जाता है, और जब बड़े होते तो ये ज़्यादा दिखता है। और बड़े लोगों को भी बेसिकली इसी कारण होता है कि फ्लोराइड कंटेंट आपके पानी में ज़्यादा है। तो ये जो स्टेन्स हैं ये आपके दांतों के अंदर होते हैं, ये कोई ऊपर स्टेन्स नहीं है। तो ये स्केलिंग से, मशीन से, सफाई से अगर आप सोच रहे हैं साफ़ हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो ये नहीं होंगे। अगर आप ये सोच के सफाई करवा रहे हैं तो बिल्कुल मत कराइए। तो फिर ये कैसे ठीक होंगे, इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इसके पहले मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। देखिए, अगर आपके दांत ऐसे हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेन्स और कैलकुलस, बाहर से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जितने भी आपके दांत गंदे हैं, पान के कारण, सुपारी के कारण, सिगरेट के कारण, जिस भी कारण से, अगर आप टोबैको खाते हैं उसके कारण, या फिर नहीं भी खाते हैं तो जो पानी के दाग होते हैं और जो कैलकुलस टार्टार जिसको हम बोलते हैं वो जम जाता है, ये सारा कुछ अगर आपके दांतों में है तो ये मशीन से पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। जो आपके दांत का नेचुरल कलर है वो आ जाएगा। अगर आपके नेचुरल दांत वाइट हैं तो वाइट आपके दांत हो जाएंगे। इसके अलावा अगर जो हमने अभी बात की, ऐसे पैचेस आपके दांतों में हैं या बहुत ज़्यादा पीले आपके दांत हैं, तो सिर्फ स्केलिंग से या पॉलिशिंग से, सफाई से ये क्लीन नहीं होंगे, ये आपको क्लियर करना है। तो फिर इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, पैचेस के लिए, फ्लोरोसिस के लिए, या फिर येलो टीथ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा। देखिए, क्लीनिंग पॉलिशिंग आप करा सकते हैं, उसको पहले किया जाएगा। इसके बाद जो आपके टूथ का लेयर है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है या फिर प्रोसेस नहीं है कि जो अंदर पैचेस बन गए हैं डीप, उनको ठीक किया जा सके। तो जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट में बोल रहा हूँ वो किया जाता है, जो आपकी सामने के दांतों की लेयर है उसको चेंज की जाती है। पहला ट्रीटमेंट ये है, शॉर्ट में हम समझ रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट ट्रीटमेंट होता है, ऐसा आप समझिए। इसके बाद वीनियर भी होता है, जिसमें आपके दांतों की सामने की जो लेयर है उसमें एक वीनियर चढ़ा दिया जाता है, एक कवर चढ़ा दिया जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और इसी टाइप का एक और होता है कैपिंग, जिसमें आपके दांत को पूरी तरीके से कवर किया जाता है। तो स्माइल करने में, बोलने में जितने दांत आपके आते हैं, जनरली ऊपर के 6 और नीचे के 6 दांतों को करवाना होता है। तो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, आपके जितने भी दांत हैं वो वाइट किए जा सकते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा अगर आप ये ना करवाना चाहें तो ब्लीचिंग एक प्रोसेस होती है, टीथ ब्लीचिंग होती है, जिससे आपके दांतों को वाइट किया जा सकता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, कुछ समय के लिए, 6 महीने 1 साल तक के लिए ये हो सकता है, जितना आप मेंटेन करेंगे जो आपके दांतों का शेड है वो वाइट किया जा सकता है। और अगर आपको फ्लोरोसिस नहीं है, पैचेस नहीं है, सिर्फ दांत आपके ज़्यादा पीले हैं, तो आप ब्लीचिंग करा सकते हैं, आपका शेड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, येलो से 1-2 शेड और वाइट हो जाएंगे, वाइट जैसे आपको टूथ चाहिए वैसे हो जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी सारे पेशेंट पूछते हैं ये पैचेस के लिए कि सफाई से ठीक हो जाएंगे कि नहीं, इसलिए ये वीडियो था। अगर आपको भी है तो अपने डॉक्टर से क्लियर करिए, सिर्फ क्लीनिंग से नहीं होंगे, जो आगे ट्रीटमेंट है वो आप ले सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।